नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। आजमगढ़ जिला कारागार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को पीटते नजर आ रहे हैं। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राजनीतिक गलियारे सुर्खियां बटोरने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए इस वीडियो में। आजमगढ़ जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत से पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुलाकात करने आए। मुलाकात के दौरान जब जेल परिसर में मौजूद थे, उसी दौरान वहां पूर्व एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक कार्यकर्ता को पीट दिया। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगी। पहले आप वीडियो देखिए। हुआ यूं कि दोपहर के समय जिला कारागार पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ वहां पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जेल मैनुअल के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जेल के अंदर जाने की कुछ लोगों को अनुमति मिली थी। ऐसे में तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जेल परिसर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर पूर्व एमएलसी कमला यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव से एक कार्यकर्ता से तीखी नोकझोंक हो गई। फिर क्या, दोनों वरिष्ठ नेता उस कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। भीड़ में शामिल लोगों की वजह से किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोला है। बीजेपी नेता आनंद गुप्ता का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। यह एक बार फिर से सिद्ध हो गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ही सपा कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई। पिटाई करने वाले भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आजमगढ़ के इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में जहरीली शराब कांड समेत कई मामलों पर आरोपी सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव बंद हैं, जिनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ जिला आए थे। बीजेपी और सपा के बीच ये कोई नई बात नहीं है। ये दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती रहती है, ये उनके लिए आम बात है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।